राखी सावंत की माताजी दोस्तों इस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। हम सबको पता है कि आंटी जी कैंसर से जूझ रही है और ऐसे में उनकी कीमोथेरेपी भी चल रही है। अब दोस्तों राखी सावंत ने आगे बढ़कर कर दी है एक बड़ी बात। राहुल बोझ स्वागत करता है आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों राखी सावंत की आई यानी कि राखी सावंत की माता जी को कैंसर है, ये बात हम सबको पता है। और ऐसे में आंटी जी को कीमोथेरेपी मिल रही है आजकल और आंटी जी के पूरे बाल झड़ रखे हैं। अब राखी सावंत पहुंचती है अपनी माता जी को मिलने के लिए और आपको बताना चाहता हूं कि राखी सावंत हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है अपनी ऑडियंस का कि प्लीज प्लीज मेरी माता जी के लिए प्रेयर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हुई है जहां पर राखी सावंत कह रही है प्रेज द लॉर्ड, जहां पर वो ये भी कह रही है कि मेरी माता जी को कीमोथेरेपी हुई है और मुझे पूरा यकीन है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी और जिस तरीके से उनकी हालत है, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज इनके लिए प्रे कीजिएगा। दोस्तों राखी सावंत की माताजी के बारे में एक बहुत अच्छी न्यूज़ मैंने आपको बताई थी कि सलमान खान ने खुद फैसला लिया है कि मैं जो है राखी सावंत के बिल्स चुकाऊंगा और राखी सावंत के पैसा खर्च होने नहीं दूंगा। राखी सावंत ने जो थोड़ा बहुत अमाउंट जीता है बिग बॉस करके, वो राखी सावंत के फ्यूचर यूज के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसे में दोस्तों सलमान खान जी का इतना बड़ा दिल हम सबके सामने आया है और राखी सावंत की इस वीडियो ने तो लिटरली हम लोगों को गूज़बम्प्स दे दिया है। जिस तरीके से राखी सावंत के आंसू नहीं है लेकिन स्टिल वो बहुत ही स्ट्रांग तरीके से अपनी माता की बातों को रख रही है, क्योंकि एक ऐसा मोमेंट होता है जब आपके आंसू आ जाते हैं, बट राखी सावंत बींग अ ब्रेव गर्ल वो बिल्कुल भी रो नहीं रही है और उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि मेरे यीशु भगवान जो है मेरी माता जी को ठीक कर देंगे, 2000 साल पहले जो है सारी बीमारियां खत्म हो चुकी हैं और मेरी माँ जो है दोबारा से सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। राखी सावंत के लिए आप लोग प्लीज प्रे कीजिएगा कि उनकी माता जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हम भी फीफा फूड फैमिली प्रार्थना करते हैं कि आंटी जी की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ओम शांति।